सीधे आपको लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। एक विजनरी, एक समर्पित, गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए काम करने वाला जनप्रतिनिधि देश को दिया है। आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले इस क्षेत्र के लोगों को और जब देश आजादी का 75 वर्ष मना रहा है, तब देशवासी आपके प्रति गौरव करते हैं। मैं आज आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, कल वसंत पंचमी का बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। मां सरस्वती के पूजन का दिन है। मैं आप सभी को वसंत पंचमी के इस पावन पर्व के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अभी कोरोना की वजह से हम लोग रूबरू मिलते, समूह में बातें करते, उसका तो हमारा एक लंबा अनुभव है, लेकिन अब वर्चुअल मिलने का एक नया अनुभव ले रहे हैं। नए युग में नया अनुभव और डिजिटल व्यवस्था से हम मिल रहे हैं। मुझे याद है इस साल की शुरुआत में मेरा पहला दौरा मेरठ का ही हुआ था। उस दिन मौसम खराब था और इसलिए मुझे सड़क मार्ग से आना पड़ा था, लेकिन मेरठ एक्सप्रेसवे की वजह से मैं 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ पहुंच गया था। इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने का सौभाग्य देशवासियों ने मुझे दिया था। मैं इस बात का ये भी सबूत है कि भाजपा की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, जो काम शुरू करती है उसे पूरा करके दिखाती है। भाई और बहनों, आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे, अनेक सरकारें बनती बिगड़ती देखी है, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, विकास की निरंतरता के लिए है, प्रशासन में सुशासन के लिए है। यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। आज जिन क्षेत्र के मतदाताओं से मैं बात कर रहा हूं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि उद्योगों के लिए, व्यापार कारोबार के लिए कानून व्यवस्था का राज होना कितना जरूरी है।
कोई सोच नहीं सकता था कि यूपी में कभी अपराधी माफिया काबू में आएंगे, लेकिन योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है। गुंडागर्दी करने वालों को यह समझ आया है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में यूपी को लगातार ऐसी सरकार चाहिए जो डबल तेजी से काम करे, डबल तेजी से विकास करे, और ये काम डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद गरीबों के लिए घर बनाने की स्पीड कई गुना बढ़ी है। कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की स्पीड डबल हुई है। मेट्रो कनेक्टिविटी इक्का दुक्का शहरों से आज उत्तर प्रदेश के 10 शहरों तक पहुंच रही है। एलपीजी गैस कनेक्शन का दायरा जो लगभग आधी आबादी तक ही सीमित था, आज 100% हो रहा। साथियों, आज हम एक ऐसे संकट काल से गुजर रहे हैं, पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहा है। 100 साल में इतना बड़ा संकट कभी मानव जात को वैश्विक स्वरूप में नहीं आया। इस संकट काल में भी यूपी ने डबल इंजन का डबल लाभ देखा है। इसी कोरोना काल में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनना शुरू हुआ। मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी हो चुका है। टीके और मुफ्त राशन से लेकर रोजगार तक यूपी में योगी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में तेजी से काम किया है। साथियों, आज यूपी में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 100% लोगों को लग चुकी है। 70% से अधिक लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है, और अभी योगी जी विस्तार से इसका पूरा ब्यौरा दे रहे थे। ये यूपी के लोगों का उन लोगों को करारा जवाब है जो अफवाहें फैलाकर कभी वैक्सीन पे क्वेश्चन मार्क लगा देते थे, प्रश्न चिन्ह लगा देते थे, कभी वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों डरा रहे थे। मेरे प्यारे देशवासियों, जरा सोचिए, जिन जिन लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ अफवाहें फैलाई, सामान्य मानवी के मन को विचलित किया, आपका मेरी बातों में भरोसा था, आपने मेरी बात को मान करके वैक्सीन के लिए आगे आए। लेकिन सोच लीजिए, इस प्रकार की विकृत मानसिकता के साथ अगर देश में वैक्सीन के खिलाफ जो बातें बताई गई थी वो लोगों ने मान ली होती और वैक्सीन के इतने डोज देश में न लगे होते और कब ओमिक्रॉन जैसा नया वेव आ जाता,
तो क्या होता, मेरे देश के गरीबों का क्या होता। लेकिन राजनीति के गंदी हरकतों में डूबे हुए लोग मानव के जीवन के साथ खेलने से भी पीछे नहीं रहे और अफवाहें फैला दी। मैं देशवासियों का आभारी हूं कि आपने इनकी बातों को नहीं माना, वैक्सीन लगवा दिया। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपने भी वैक्सीन लगवा करके देश को बचाने में मदद की है। आप लोगों ने ऐसे लोगों को दो टूक समझा दिया है कि समाजवादी झूठ एक पल भी टिक नहीं सकता। भाइयों और बहनों, एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, ग्रामीण सड़कें हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, गरीबों के लिए आवास हो, हर घर जल पहुंचाने का अभियान हो, बीते सालों में हर काम में अभूतपूर्व तेजी आई है। 2017 से पहले जो सरकार थी उसने एक्सप्रेस वे के नाम पर कैसी लूट मचाई, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। योगी जी की सरकार में पूर्वांचल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पूरे हो चुके हैं और 5 एक्सप्रेस वे पर तेजी से काम चल रहा है। जब प्रयास ईमानदार हो तो काम ऐसे ही असरदार होता है। आजादी के इतने सालों तक राजधानी से इतने नजदीक होने के बावजूद मेरठ अलीगढ़ सहित ये पूरा क्षेत्र दिल्ली से कितना दूर था। पहले जब दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ या अलीगढ़ जाने की बात भरी होती थी तो लोगों के माथे पर पसीना आ जाता था। इनका विकास भी कागजी था और ये समाजवादी भी ये सिद्ध हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी है। जबकि डबल इंजन की सरकार ने जमीन पर काम किया और आज दिल्ली से दूरी सिर्फ कुछ मिनटों की रह गई है। साथियों, जिस गाजियाबाद से यूपी का उसको गेटवे माना जाता है, उसकी कनेक्टिविटी 5 साल पहले क्या थी ये भी आप भली भांति जानते हैं। गाजियाबाद मेट्रो का विस्तार, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण और हिंडन एयरपोर्ट से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी अब बेहतर हुई है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसे और मजबूती देगा। अलीगढ़ में जो डिफेंस कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है वो इस क्षेत्र में छोटे उद्योगों को बहुत मदद करेगा। इससे युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर बनेंगे। अलीगढ़ का ताला हो, मेरठ का कैंची उद्योग हो या फिर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, सरकार के प्रयासों से अब और सशक्त हो रही है। इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान से भी मदद मिल रही है। साथियों,
इस साल के बजट से यूपी के करीब हमारे गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान के जीवन में सार्थक बदलाव आने वाला है। जब से ये नया बजट आया है तो पूरे देश में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। ये देश के गरीब की जरूरत, मिडिल क्लास और युवा भारत की आकांक्षाओं को बल देने वाला बजट है। गरीब परिवारों, गरीब बहनों के लिए 80 लाख पक्के घर, करीब 4 करोड़ गरीब बहनों के घर में नल से जल, देश की पहली राष्ट्रीय डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये जितने भी प्रावधान हैं वो गरीबों को, गरीब परिवारों के युवाओं को गरिमा देंगे, आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। पानी से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे यूपी के अनेक क्षेत्रों को राहत देगा। इस बजट से यूपी के गांवों और शहरों की स्वच्छता के लिए एक बहुत बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी जो बहुत बड़ी राशि रखी गई है, उससे भी यूपी के गांव, गरीब और किसान को सबसे अधिक सुविधा मिलेगी। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे हो, गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो, बजट में प्रस्तावित ऐसे हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यूपी की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे और ये प्रोजेक्ट साथ में रोजगार भी लाते हैं। भाइयों और बहनों, ये कागजी समाजवादी जो 100% परिवारवादी है और उनके सहयोगी इतने सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन खेती की समस्या और किसानों की परेशानी को इन्होंने समझा ही नहीं। दशकों से खेती की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जिससे किसान परेशान था, उसको सुधारने का साहस इन्होंने जुटाया ही नहीं, क्योंकि स्थितियों को बदलने में मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए स्थिति ज्यों की त्यों रहे, यही कोशिश इन्होंने की, क्योंकि वो तो सोते सोते सपने देखना, यही तो उनका काम है। लेकिन डबल इंजन की सरकार को खेती और किसान के वर्तमान और भविष्य की चिंता है, इसलिए कृषि का बजट पिछली सरकारों की तुलना में आज 6 गुना हो चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि के 70,000 करोड़ रुपए में से बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के छोटे किसानों को मिलेगा। अपनी उपज की कीमत के लिए कई कई महीनों किसानों को इंतजार करना पड़ा था, डबल इंजन सरकार अब तुरंत एमएसपी को बैंक खाते में जमा कर रही है। एमएसपी खत्म हो जाएगा, जैसे वैक्सीन की अफवाह फैलाई ना, वैसी इसकी भी अफवाह फैलाई।
झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, गुमराह करो, इससे ऊपर इनके पास कोई हथियार ही नहीं बचे हैं। एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये अफवाहें फैलाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यूपी में डबल इंजन की सरकार ने 2017 से पहले की अपेक्षा एमएसपी पर खरीद में कई गुना अधिक वृद्धि की है, छोटी मोटी वृद्धि नहीं। इस वर्ष भी यूपी सहित देश के किसानों को लाखों करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में मिलने वाले हैं। अफवाहों की राजनीति करने वाले ये वही दल है, वही नेता है जिनकी सरकारों ने यूपी की करीब 2 दर्जन से ज्यादा चीनी मिलों में ताले लगा दिए थे। उनको अलीगढ़ ताले लगाने के लिए याद आया और योगी जी बड़े विस्तार से इसका वर्णन कर रहे थे। गन्ना किसानों का बकाया सालों साल चलता रहता था। योगी जी की सरकार ने बीते 5 सालों में पुराने बकाये सहित 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। पिछली सीजन का भी लगभग पूरा भुगतान हो चुका है और इस बार का भी बकाया तेजी से निपटाया जा रहा है। यही नहीं, योगी सरकार ने नई चीनी मिलें भी बनाई है और अनेक पुरानी चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार और आधुनिकरण भी किया है। गन्ने से इथेनॉल बनाने की बहुत बड़ी क्षमता अब यूपी में तैयार हो रही है। एक प्रकार से यूपी का इथेनॉल देश को दौड़ाएगा, ये ताकत पैदा कर रहा है योगी जी की सरकार। इसलिए तो यूपी के गन्ना किसान भी आज कह रहे हैं कि फर्क साफ है। साथियों, 1 फरवरी को जो बजट आया है उसमें यूपी सहित पूरे देश की खेती में पारंपरिकता और आधुनिकता के संगम का भी एक अद्भुत विजन है। एक तरफ गंगा जी के किनारे प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती, किसानों की लागत कम करने वाली खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसानों को ड्रोन और दूसरी आधुनिक टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग के लिए मदद का प्रावधान किया जा रहा है। इस बजट में मोटे अनाज से अधिक लाभ का प्रोत्साहन भी है और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों पर अधिक निवेश की प्रतिबद्धता है। और जब मोटे अनाज की बात करते हैं तो उसका सीधा संबंध छोटे किसानों से ही आता है। कठिन से कठिन भूमि पर मेहनत करके छोटा किसान जो पैदा करता है वो ज्यादातर मोटे धान पर ही जाना पड़ता है। इसलिए साथियों, 5 साल पहले तक ये हम समझे ये माफियावादी केंद्र की योजनाओं का लाभ यूपी के गरीब दलित पिछड़े तक नहीं पहुंचने देते थे। केंद्र की योजनाओं में उनकी मनमानी नहीं चलती थी, भ्रष्टाचार नहीं चलता था, इसलिए ये उन योजनाओं में ब्रेक लगाकर बैठते थे, कट की कंपनी बंद हो जाती थी। यूपी के लोगों की सेवा की भावना से काम कर रही योगी जी की सरकार ने पहले के सारे गलत तरीके बदल दिए।
इसलिए आपको इस बार भी बहुत सावधान रह करके ही मतदान के लिए जाना है। आप याद कीजिए, अगर इन्हें मौका मिल गया, किसानों को मिल रही हजारों करोड़ की मदद ये परिवारवादी नकली समाजवादी बंद करा देंगे। किसानों के बैंक अकाउंट में जो एमएसपी का पैसा जा रहा है, ये परिवारवादी समाजवादी नकली समाजवादी उसे भी रोक देंगे। आपको इस कोरोना काल में जो मुफ्त राशन मिल रहा है, ये सिर्फ अपना परिवार का पेट भरने वाले लोग, नकली समाजवादी आपको भूखा छोड़ेंगे, ऐसे लोग हैं। गरीबों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की जो सुविधा हमारी सरकार ने दी, ये परिवार के सुख के लिए जीने वाले लोग उसको भी बंद करा देंगे। गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, ये परिवार के बच्चों का भला देखने वाले आपकी ओर देखेंगे भी नहीं, और पता नहीं स्कॉलरशिप कहां इधर उधर चली जाएगी। गरीब के कल्याण की सभी योजनाओं पर ये चीनी मिलों की तरह ताला ही लगाने वाले हैं, और कुछ वो कर ही नहीं सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, ये मध्यम वर्ग की जेब पर डाका डालकर रियल एस्टेट माफिया को दे देंगे। नोएडा, गाजियाबाद के लोगों से बेहतर इन्हें कौन जानेगा। राशन माफिया से लेकर कमीशन माफिया तक, ठेका माफिया से लेकर खनन माफिया तक, नकली कहने के समाजवादी और पूरी तरह परिवारवादी फिर पुराने अवतार में आने के लिए तैयार बैठे।